तो जरूरी नहीं है ये बात, दिस इज नॉट कंपलसरी दैट द फर्स्ट वैल्यू हैज टू बी द लार्जेस्ट, द सेकंड विल बी द सेकंड लार्जेस्ट, द थर्ड विल बी द थर्ड लार्जेस्ट लार्जेस्ट इट इज नॉट कंपलसरी, द वैल्यूज कैन बी हाई लो देन हाई लो, इट्स ऑल अप टू द फ्लो ऑफ डेटा. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. नाउ वी प्रोसीड विद द फर्दर एक्सप्लेनेशन. सो नाउ वी आर ऑन टू पेज नंबर 448. So we'll be starting with the diagram. Dot diagram consists of horizontal number line and dots placed above the number line. The dots represent the values in a set of data. Dots basically क्या होती हैं, एक horizontal line होती है, एक लंबी सी line होती है, that is basically our horizontal number line. और dots होते हैं उस line के ऊपर लगाए जाते हैं. वो जो dots होते हैं they actually represent some amount of data. So first we'll be doing a work example. Work example number 1. The table shows the time taken in minutes for 12 employees of a company to travel from their homes to the office. अब यहाँ पे एक आदमी ने डेटा कलेक्ट किया कि एक आदमी को बेसिकली कंपनी से घर जाते हुए कितना टाइम लगता है. सो दे हैव कैलकुलेटेड सम अमाउंट ऑफ डेटा. सो दे आर लाइक बेसिकली दे आर 12 एम्प्लॉइज और उनको घर जाते हुए कितना टाइम लग रहा है. सम ऑफ देम टुक बेसिक 20 मिनट्स, किसी ने 22 मिनट्स लिए, सम टुक 21 मिनट्स, 18 मिनट्स, 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 22 मिनट्स, 23 मिनट्स, 22 मिनट्स, 20 मिनट्स. दिस वॉज सम टाइम विच वॉज टेकन बाई द एम्प्लॉयज़ टू गो बैक टू होम फ्रॉम देयर कंपनी. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ डॉट डायग्राम. अच्छा, अब यहाँ पे जब हमें किसी भी डाटा को डॉट डायग्राम पर रिप्रेजेंट करना होता है तो वी हैव टू फॉलो सम रूल्स. वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ वैल्यूज़. हमें पता लगाना है कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है और लोवेस्ट वैल्यू क्या है. ये रेंज बेसिकली क्या होती है, रेंज इज़ बेसिकली द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू. सो हियर इफ वी सी द लोवेस्ट वैल्यू इज़ बेसिकली 18 मिनट्स एंड 30 मिनट्स वॉज द हाईएस्ट वैल्यू. Second step is we have to draw a number line with equal intervals to represent the range of values identified in the step 1. अच्छा, अब हमने जो भी रेंज पता लगाई है हमें अपनी डाटा को एक प्रॉपर इंटरवल्स के साथ रिप्रेजेंट करना होगा. अब फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी डाटा कुछ ये लगे कि पहले 18 लिखा, फिर 20, 21, 22, 23, फिर 30 लिखा और बीच में आपके नंबर गायब है. ऐसा काम नहीं होना चाहिए. यू हैव टू शो द प्रॉपर वैल्यू लाइक 18, 19, ऑल नंबर्स फ्रॉम 18 to 30 मिनट्स. सो हियर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30. सो नाउ यूजिंग द डेटा फ्रॉम द टेबल प्लॉट ईच डेटम विद अ डॉट ओवर इट्स वैल्यू ऑन द नंबर लाइन. अच्छा, यहाँ पे एक कीवर्ड आया है बेसिकली डेटम. इसको हम देखते हैं कि ये वर्ड डेटम का मतलब क्या होता है. सो बेसिकली डेटा बेसिकली क्या होता है, डेटा आर एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं मिनट्स की, कितना टाइम लगा एक एम्प्लॉय को घर जाते हुए, तो जो हमने अभी कलेक्ट किया है वो डेटा है, उसे हम बोलेंगे डाटा. और यहाँ पर जो चीज़ वेरी कर रही है, वेरिएबल हमारे पास क्या है बेसिकली, वो टाइम है. जिस चीज़ को हमने मेजर किया वो क्या है हमारे पास, टाइम है. तो जो मिनट्स हमारे पास आ रहे हैं वो क्या है, डाटा. लेकिन डेटम क्या है, डाटा बेसिक जब हम बात करते हैं वे आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट वैल्यूज़, मैनी वैल्यूज़. अब जब बात कर रहे थे यहाँ पर नीचे हमारे पास बॉक्स में बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए थे, तो हमारे पास वो डाटा है, वो प्लूरल है. सिंगुलर वैल्यू को बोलते हैं डेटम. तो सो डो यू डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज हियर. बेसिकली डेटम इज नथिंग बट अ सिंगल वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल. सो लेट्स गो बैक टू आवर बुक. सो बेसिकली हियर वी हैव टू प्लॉट ईच डेटम विद अ डॉट ओवर इट्स वैल्यू ऑन द नंबर लाइन. सो हियर यहाँ पे दो लोग थे जिनको 18 मिनट्स लगे घर पहुँचते हुए. सो वी हैव पुट वन डॉट हेयर और उसी के ऊपर मैंने एक और डॉट लगा दिया. कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसको 19 मिनट्स लगे. देवर बेसिकली थ्री पीपल हु टुक 20 मिनट्स. या देखिए एक ये 20 है, एक पेरेटेड आउट हेयर, एक ये 20 है, एक ये 20 है और एक ये 20 है. तो हमने यहाँ पे तीन डॉट्स लगा दिए. अब
below the other. Then there were basically two people who took 21 minutes to get to their home. So here, if you see, there are two people, 21 21, so I have put basically two dots here. Now basically there were three people who took basically 23 minutes to get to their home. So if I see, it's here 23, and sorry, it's basically we're talking about 22, basically 22 minutes, my mistake, do it again. So basically it took three people 22 minutes to get to their home. 22 minutes. So here I have plotted the data up below the other, three dots here. It took only one person to get to their home by 23 minutes. So I'm gonna just mark it here. It's here, only one took 23 minutes. So here I have put only one dot. Now basically there was only one person again who took 30 minutes to get to their home. So here is that 30, and so I put one dot here. So this is the way we are going to plot it. So you can see that it's very easy to plot, but jo ab jo aapka jo main keh lena jo aapke paas aayega challenge, this is the way we have to describe kaise karenge. Before we look into how we describe data, I would like everybody to open the box, page number 448. मैं अब रीड करूँगी ये कॉलम. दिस कॉलम इज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस. आई एम गोइंग टू सर्कल इट. अच्छा, यहाँ पे स्क्रीन पे तो विजिबल नहीं होगी, सो यू गाइज हैव टू ओपन द बुक टू रीड इट आउट. आई विल ट्राई लेवल द बेस्ट टू मेक इट क्लियर टू यू पीपल. सो हियर अटेंशन को रीड करेंगे, क्योंकि अटेंशन के थ्रू ही आप नंबर टू क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे. इफ यू सी हियर, द फर्स्ट थिंग इज़ द रेंज टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन. जब भी आप याद रखें कि जब भी आपको पूछा जाए कि डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको ये वर्ड्स यूज़ करने हैं. अगर आप ये वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे तो आप डिस्ट्रीब्यूशन, आप चाहे उसको जितना भी डिस्क्राइब कर लें, आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा. इस तरह से ये बात याद रखें कि वेन एवर यू आर टोल्ड टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन, यू आर सपोज टू डिस्क्राइब इट यूजिंग द की वर्ड्स गिवन टू यू. अगर आप की वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, योर आंसर विल बी मार्क्ड इनकरेक्ट, इवन इफ़ यू आर डूइंग इट वेरी नाइसली. इवन इफ अगर आपने इसको बहुत ही अच्छा क्यों ना डिस्क्राइब किया हो, लेकिन अगर आपने उसको प्रॉपरली इन वर्ड्स के थ्रू अगर डिस्क्राइब नहीं करेंगे, योर एक्सप्लेनेशन विल बी मार्क्ड रॉन्ग. द फर्स्ट इन द फर्स्ट ओनली वर्ड वी आर अलाउड वी हैव टू यूज इज बेसिकली रेंज. हमने अभी बात की रेंज बेसिकली क्या होता है. रेंज इज़ बेसिकली द वेरिएशन ऑफ डाटा. इफ़ यू लुक इनटू योर बुक, दैट इज़ बेसिकली द हाईएस्ट. इफ़ आई राइट हियर, रेंज इज़ बेसिकली द हाईएस्ट और द लोवेस्ट वैल्यू. दैट इज़ द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू. हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू. हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू. हमेशा रेंज कैसे निकाल जाता है, इट्स बिटवीन द हाईएस्ट माइनस द लोवेस्ट वैल्यू. अब क्लस्टर का मतलब क्या होता है. इफ़ यू गो एंड सर्च इट आउट इन द डिक्शनरी, यू विल गेट द मीनिंग. कि क्लस्टर बोलते हैं किसी भी चीज़ को जो बिल्कुल इकट्ठा होती है, जमा हुई भी. जैसे अगर इफ यू मेकिंग योगर्ट, तो योगर्ट की पहचान क्या है. आप अगर दही में जब आप बैक्टीरिया डालते हैं, सॉरी, अगर आप दूध में बैक्टीरिया डालते हैं, तो दही बनने की निशानी क्या होती है, कि आपकी दही गाढ़ी होने लग जाती है. तो जो गाढ़ेपन बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्लस्टर. मतलब आपका दूध कहने के चिपकने लग जाता है, या उस पर गुठलियाँ बनने लग जाती हैं. तो वी से दैट कि वहाँ पे क्लस्टर्स बन गए. अगर आप इसकी एग्जाम्पल देखें, यू गाइज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स एक्चुअली दे आर फॉन्ड ऑफ मेकिंग रोटी. इफ यू नॉट, देन यू हैव टू ट्राई आउट टू अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली क्लस्टर इज. कि जो लोग रोटियां बनाते हैं, उनको पता है जब आटा गूंथते हैं, तो जब वो आटा गूंथते हैं, तो जब वो पानी डालते हैं, तो जो पाउडर में जब वो पानी डालते हैं, तो पहले कुछ कहने के गुठलियां बन जाती हैं, या कुछ क्लस्टर्स बन जाते हैं. पहले प्रॉपर आटे बनने से पहले कुछ कहने गुठलियां बन जाती हैं, कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं, उसे बोलते हैं क्लस्टर. तो यहाँ पर मैथ्स में मतलब क्या है क्लस्टर का. बेसिकली इट मीन्स डाटा दैट इज़ इंडिविजुअली group about certain values.